हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? कुक विद मी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मंदी, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम चिकन को अच्छे से धो लेंगे और इस तरह से पूरे पीसेस में कट लगा लेंगे। अब हम मंदी मसाला पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए 1.5 टीस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 इलायची, 10 लौंग, 3 दालचीनी के पीस, जायफल का पीस, जावित्री, 2 बड़ी इलायची डालेंगे। अब इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए भूनकर ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम चावल में डालने के लिए 2 टीस्पून मंदी मसाला पाउडर निकालकर अलग रख लेंगे। अब हम एक बाउल में तेल डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से लीजिए, 1/2 नींबू का रस। अब हम इसमें मंदी मसाला पाउडर मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा और तेल डालकर मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाला बनकर तैयार है। तो हम एक एक चिकन के पीस को लेंगे और इसमें अच्छे से ये मसाला लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे चिकन के पीसेस को हम मसाला लगा कर रख लेंगे। अब चिकन के पीसेस को ढककर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। 2 घंटे हो गया है, अब हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसके बाद फ्लेम को लो करेंगे और 10 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है, तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, फिर 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, चिकन फ्राई हो गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे चिकन के पीसेस को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, चिकन फ्राई होने तक हम मंदी की चटनी बना लेंगे। मंदी की चटनी बनाने के लिए हम एक जार में 2 कटे हुए टमाटर, 3 हरी मिर्च, अगर आप स्पाइस कम खाते हो तो हरी मिर्च कम डालिए। अब हम इसमें 3 से 4 लहसुन के कलियाँ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 पुदीने के पत्ते डालकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए, मंदी की चटनी रेडी है। अब हम चावल को धोकर इसे 1/2 घंटे के लिए भीगने रखेंगे। 1/2 घंटा भीगने के बाद हम चावल को पका लेंगे। अब हम एक भगोने में 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने चिकन फ्राई कर लिया था। तेल गर्म होने के बाद एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो हम इसमें 4 हरी मिर्च डालेंगे। मंदी मसाला पाउडर डालकर इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जिस बॉल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप जिस ग्लास से चावल लिया है उसी ग्लास से 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे, मतलब 4 ग्लास चावल के लिए 6 ग्लास पानी। अब हम इसमें 2 काले नींबू ऐड करेंगे। अगर काला नींबू ना हो तो आप सूखा नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चिकन स्टॉक क्यूब्स डालेंगे। अब इसे ढककर पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए, पानी उबाल रहा है।
एक बार इस पानी का टेस्ट देखिए और अगर नमक कम लग रहा हो तो इसमें मिक्स कर लीजिए। अब भीगे हुए चावल डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे फ्लेम को हाई ही रखेंगे। चावल को हाई फ्लेम पर ही पकाना है। बीच बीच में हम इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए पानी सूख रहा है। अब हम फ्लेम को लो रखेंगे और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे स्टोव पर ही रहने देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद 5 मिनट हो गया है। अब हम चावल को चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे चावल एकदम परफेक्ट पक गए हैं। अगर आपको मंदी में स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो चिकन के पीसेस को चावल के ऊपर इस तरह से रखिए। अब एक छोटी सी कटोरी में जलता हुआ कोयला रखिए। इसमें थोड़ा सा घी डालकर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो हमारी मंदी बनकर तैयार है। अब हम इसे तली हुई प्याज, काजू, बादाम और किशमिश के साथ सर्व कर लेंगे। ये है मंदी की चटनी और मेयोनीज। अगर आपको मेयोनीज की रेसिपी होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, चेक कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।